रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार को लेकर आयोजित एक कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी बंसल ने एसपीटीयू के अधीन चल रहे तकनीकी सुधार को लेकर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी बंसल ने एचपीटीयू के अधीन चल रहे तकनीकी सुधार पर चर्चा की। इस कार्यशाला में प्रदेश भर के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि वर्तमान में टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन उम्मीदों से कम है, जिसके कई कारण हैं। महाविद्यालयों के साथ प्रभावी समन्वय न होना एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का अच्छा प्रदर्शन विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। उपकुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रदेश भर में 4 जोन बनाकर रोजगार मेलों का आयोजन करेगा, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। आज ये वर्कशॉप एक रूटीन की वर्कशॉप है। विश्वविद्यालय को वर्ल्ड बैंक से थ्रू इंस्टीट्यूट HRD टेक्यूब टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करके 20 करोड़ रुपये मिला था, और मुझे खुशी है इस बात की कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम काफ़ी उस पैसे को यूटिलाइज करते हुए जुडिशली हमने प्रोक्योरमेंट में जो हमें लगभग 8 करोड़ रुपये मिला था, हमने उसमें डिसीजन लिया है कि हम नेक्स्ट ईयर ERP शुरू कर रहे हैं। ERP का मतलब है कि हमने कंप्लीट लगभग 2.5 करोड़ रुपया खर्च करते हुए ERP पे नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा का पूरा जितना भी कॉलेजेज हैं सारा ERP ऑनलाइन हो जाएगा, राइट इट फ्रॉम एडमिशन टू प्लेसमेंट। हमारा सारा सिस्टम हमने उसके लिए एक डाटा सेंटर क्रिएट किया है, हमने एक रिसर्च हब का हमने जो डिसीजन लिया है एनर्जी और एनवायरनमेंट दो विषयों में हम अपना जल्दी ही हम नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि हम अपने नए कैंपस में शिफ्ट कर जाएं, और नए कैंपस में हम तमाम फैसिलिटी चाहते हैं जो कि एक तकनीकी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। तो हमने उसके तहत एक वेब स्टूडियो बना रहे हैं, हम एक ई लाइब्रेरी पूरे स्टेट के लिए बना रहे हैं, और एक इनक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं इस तरह से। और हमारा पर्पज ये है कि ये जो फैसिलिटी हैं ये फैसिलिटी केवल हम अपने लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम अपने एफिलेटिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। हाल ही में पहली बार स्टेट ने 500 बच्चों के लिए 100 आवर का गेट का कोचिंग दिलाया था, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हमारे बच्चे की मानसिकता ये थी कि चंडीगढ़ सबसे अच्छा है, चंडीगढ़ जाते थे। हमने उनको बाहर से एजेंसी बुलाई, जो कि एजेंसी हमारे को वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करके दी थी, उस एजेंसी के द्वारा हमने 500 बच्चों का गेट करवाया था। गेट में मुझे खुशी है अभी नंबर कम रहे, मेरे का 14-15 क्वालिफाई किए थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम द्वारा से गेट कोचिंग करवाने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार 40-50 बच्चे हमारे जो है, क्योंकि पोटेंशियल है हमारे बच्चों का, सही डायरेक्शन की जरूरत थी, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। एक जो हमने सेकेंड स्टेप जो हमने लिया है वो ये है कि हमने एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट करवाया है, हमने MOU साइन कर लिया है। एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर क्या है, बच्चों का कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है। उसके द्वारा मैंने दिशा निर्देश दे दिया है हर कॉलेज को कि कम से कम 5-5 इंडस्ट्री से वो MOU साइन करेंगे, और जोनल मैंने डिवाइड कर दिया है, पूरी स्टेट को 4 जोन में डिवाइड कर दिया है। एक एक जोन में एक एक जॉब मिला हम बड़ी जल्दी आयोजित करने जा रहे हैं। मेरा पर्पज ये है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने ये देखा कि 90% बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉयड हम निकाल रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय था। तो उसके लिए जो स्किल गैप था, स्किल गैप एनालिसिस किया, उस स्किल गैप के एनालिसिस के बेस पे मैंने ये तय किया था कि कम से कम हमने उस 10% को 80% में कन्वर्ट करना है। आज भी वही वर्कशॉप में मेरी चर्चा हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो 80% में कन्वर्ट होगा। 80% में एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट होते ही मुझे लगता है कि खुद की खुद इनटेक भी बढ़ेगा, जिस GER की हम बात करते हैं। दूसरा जो मैं स्किल की बात कर रहा था, हमारे पास जितना स्किल गैप एनालिसिस हमने किया, स्किल हमने देखा कि बच्चों में स्किल की कमी है। हम मैन पावर तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं उनको स्किल देने के लिए हमने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है। हमने 35 कोर्सेज की बास्केट को अभी हमने BOG में अप्रूव किया है, और उसके द्वारा 35 जो हमारे अभी कोर्सेज शुरू होंगे, 35 कोर्सेज के द्वारा हमारा जो है
पांच पांच कोर्सेज की एक बास्केट हम एक इंस्टीट्यूट को देंगे, और मेरा पर्पज ये है कि पूरे स्टेट में, चाहे हमारे एफिलेटेड हैं चाहे हमारे साथ एफिलेटेड नहीं हैं, हमने कम से कम 50 सेंटर स्किल के यहाँ शुरू करने हैं, और स्किल सेंटर शुरू होते ही मुझे लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ का मेन फोकल एरिया रहेगा, और एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही हमारी इनटेक स्वतः ही क्वालिटी इनटेक बढ़ेगी, और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। हमने पहली बार डिसीजन लिया कि रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे, और हमने अभी बीओजी में 3 रिसर्च सेंटर जो हैं वो हमने यहाँ पर अलॉट किए हैं। लेकिन रिसर्च को प्रमोट करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पहला इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा फैकल्टी होनी चाहिए, और तीसरा रिसर्च पे कंसंट्रेट करना चाहिए। उसी रिसर्च पे कंसंट्रेट करने के लिए मैंने हर इंस्टीट्यूट में बोल दिया कि उनका अपना एक जर्नल होगा, उनका अपना न्यूज़लेटर होगा। और अभी अभी मैं बात कर रहा था, अभी हमने हाल ही में तकरीबन हमने 20 प्रोजेक्ट 3-3 लाख के अलॉट किए हैं फैकल्टी को। हमने फैकल्टी को बोला कि आप उस लेवल तक आएँ, और रिसर्च में मैंने उनको मैंडेटरी कर दिया है कि आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट कम से कम 2 पेपर अच्छे जर्नल में वो छपने जरूरी होंगे, और कम से कम हम पेटेंट यहाँ पर अप्लाई करें। तो रिसर्च को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, अभी तक तो रिसर्च था ही नहीं, मैंने पहली बार तो भी रिसर्च सेंटर खोलने यहाँ करके। नहीं, मुझे दुख है इस बात का, मैं आज भी शेयर कर रहा था कि हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएचडी नहीं है। मैं जल्दी नोटिफिकेशन निकालने जा रहा हूँ, कम से कम क्वालिफाइड फैकल्टी हो वहाँ पर और पीएचडी हो।